अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.4 कंप्लीट की थी, आज हमने 2.5 स्टार्ट करनी है। 2.5 है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपको पता है कि साइन एक्स को सिक्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स। और ये देखें, यहाँ से स्टार्ट में लिखा है कि थ्योरम्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन, आप ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी आप पहले पढ़ चुकी हैं, ठीक है। अब उसने वही कहा कि आपने साइन एक्स और कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो इनके डेरिवेटिव्स निकालने के लिए ये डायरेक्ट डेरिवेटिव्स दिए हैं, ये फार्मूले हैं, ये आपने इस तरह याद कर ले रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्केयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स और कॉट एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स और टेन एक्स। ये हमारे पास सिक्स फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इनको आपने एज इट इज़ याद करना है। ये यहाँ पे भी मैंने राइट किए हुए हैं, और इसके अलावा ये बुक का पेज नंबर जो है 73, पेज नंबर 73 पे ये 1 से लेके 6 फार्मूले हैं, ये आपने सारे आपको आने चाहिए। कि जैसे क्वेश्चन में कोई यूज़ होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आपने फौरन उसका लिख देना है कॉस एक्स। इस तरह डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है कि वी प्रूव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल 2.1 एक्सरसाइज में किया था ना, कि फाइंड डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और बाय ए बी इनिशियल मेथड। अब उसने कहा कि अब हम साइन एक्स का जो डेरिवेटिव, वैसे हमें पता है कि डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन। ये एग्जांपल और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम ये सपोज कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपका फ़ौरन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय ए बी इनिशियल मेथड और बाय डेफिनेशन, फ़ौरन आपके जहन में वही मेथड आना चाहिए जो हमने 2.1 में किया था। अब y को फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, y को रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा y से। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होता है कि y को हमने उधर ले जाना है, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा x और माइनस साइन x आ गया। ये देखिए, ये आपका फार्मूला बन गया डेल्टा y साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। आप हमारा थर्ड स्टेप क्या हमने उस वक्त करना होता है जब हम यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लें। आप देखें, यहाँ से डेल्टा x कॉमन ही ना आ रहा, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फार्मूला पढ़ा हुआ कि ये इक्वल होता है टू कॉस अल्फा, ये पूरा आपके पास अल्फा आ गया, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, अल्फा प्लस बीटा बाय टू और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर टू, ठीक है। अब हम इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप आ गया कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पे हम इसको अब डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू। अब आपने ये देखिए, अभी ये जो हमारा ऊपर थ्योरम था ना, इसके स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंस जीरो साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने देखना है कि जहाँ पे साइन आ रहा है उसके नीचे हमने इसको जो है डिवाइड कर देना है डेल्टा एक्स को। आप देखिए, साइन का ऊपर नीचे हम एंगल इक्वल करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैं नीचे इसको ये साइन डेल्टा एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय टू, ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं पे ये नीचे डिवाइड हो गया और साथ इसके मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पर क्या कर देनी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो
यहाँ रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और साथ आपके पास था टू कोस इंटू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, ये जो वैल्यू थी आपकी लास्ट स्टेप में टू कोस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू होल टू था, और साथ था साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स ओवर टू और मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे टू कोस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, और साथ में था साइन, आपके पास था साइन डेल्टा एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ओवर टू, ठीक है, और था मल्टीप्लाई टू, यानी कि ये भी नीचे था। अब देखें जब आपने लिमिट अप्लाई की, ये वाला जो टू है ये फर्स्ट टू के साथ कैंसिल हो गया, दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लिख दें, लिमिट डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस इंटू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, और इसके साथ भी हम अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स ओवर टू। ये देखें ये बाय थ्योरम जो आपने पीछे थ्योरम किया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल होता है वन के, कि अगर साइन का एंगल ऊपर नीचे इक्वल हो जाए तो वो इक्वल हो जाता है वन के। इस तरह यहाँ पे भी देखें ये साइन का ऊपर नीचे एंगल इक्वल हो गया डेल्टा एक्स बाय टू डेल्टा एक्स बाय टू, तो इसलिए ये हमारा हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। और यहाँ पे जब आपने लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ रह गया कॉस टू एक्स प्लस ज़ीरो बाय टू, और ये जो ये किसके इक्वल हो गया वन के, तो ये आ जाएगा कॉस टू एक्स ओवर टू, टू टू से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कॉस एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये क्या बन गया आपके पास डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे हमने जो है वो वाई किसको सपोज किया था साइन एक्स को, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो इक्वल आ गया कॉस एक्स के, इस तरह ये आपका आंसर भी ठीक हो गया और ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ये आपकी जो थी फर्स्ट एग्जांपल हो गई। इसका सेकंड एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल आना चाहिए माइनस साइन एक्स के, वो भी इसने यहाँ पे सॉल्व की सेम इसी तरह ही। देखिए फर्स्ट स्टेप में y को रिप्लेस कर दिया y प्लस डेल्टा y के साथ, फिर डेल्टा y इधर ये y को हम उधर ले गए, और फिर उसके बाद हमने ये देखें cos अल्फ़ा ये फार्मूला बन गया ना cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोल दिया उसने, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा, और ये माइनस cos x आपके पास ऑलरेडी था, इसको हमने इस तरह लिखा रहने दिया, और इन दोनों में से माइनस cos x कॉमन ले लिया, वन माइनस cos डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ से भी देखिए या आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकती थी, ये देखिए इसके बाद हम इसको इस तरह भी कर सकते थे कि कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, तो हम इसका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इन्होंने वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया है, कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू के इक्वल, ठीक है। आप ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। माइनस टू साइन जहाँ पे आ जाएगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, और साइन इंटू ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और डेल्टा एक्स बाय टू, आगे सेम जैसे हमने ये पिछला पार्ट किया था साइन एक्स वाला सेम वैसे ही ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब आपके ये दोनों कॉस की जगह साइन आ गया, उसके बाद हमने डेल्टा एक्स टू के साथ इसको मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, टू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, बाकी आपका आंसर सेम उस तरह ही चलना है। ये अब आपने कंप्लीट कर लेनी है ये दो एग्जाम्पल्स, और ये फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने हैं, कल हम इसका क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करेंगे।